तो भाई आज अपने सेक्टर में पेड़ों की छटाई हो रही है। काफी ज्यादा पेड़ जो हैं रोड पे नीचे तक आ रहे थे, तो आज उनकी छटाई हो गई है। ये भाई घास काट रहा है, यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है अपने सेक्टर में आज। तो भाई नमस्कार, राम राम दोस्तों, क्या हाल है आपके? तो भाई स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यार ये बच्चे बिल्कुल रोड पे खेल रहे हैं। तो भाई आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि सर्विस के लिए गए थे और शोरूम बंद मिला था। तो भाई आज दोबारा जा रहे हैं अपनी पहली सर्विस के लिए। 10,000 किलोमीटर पे जो होती है अपनी गाड़ी चल चुकी है, 11,150 किलोमीटर। और वैसे तो 10,000 पे होनी चाहिए थी, हमने लगभग 1,100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाई है। तो भाई चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी फर्स्ट पेड सर्विस या जो एक्चुअल फर्स्ट सर्विस है उसमें क्या खर्चा आता है और वो क्या क्या करते हैं इसमें। तो चलो लेट्स गो। तो भाई ये स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू मुझे मेरी गाड़ी के अंदर मिला, जबकि भाई मैं ऐसा कोई चीज अपनी गाड़ी के अंदर लेके नहीं गया जिसमें से ये स्क्रू निकल सकता है, बट ये स्क्रू मिला है। तो भाई ये जानना भी जरूरी है कि भाई गाड़ी के अंदर ये स्क्रू आया कहाँ से, कहीं गाड़ी का ही तो कोई स्क्रू नहीं है ये, तो ये भी पता करना है। और एक जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, इस सीट में मुझे जब हम रफ रोड के ऊपर चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये सीट भी हिलती है, ये भी उनको बताना है। तो देखते हैं भाई क्या होता है आज। तो भाई ये जो दो प्रॉब्लम है ये दोनों शॉर्ट आउट कराएंगे अपनी सर्विस में, बट क्या ये जो स्क्रू निकला है जो मुझे मिला है गाड़ी के अंदर उसका, और ये जो सीट का जो हमें आवाज़ आ रही है इसका आपस में कुछ लेना देना है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है ये स्क्रू सीट में से कहीं से निकला हो, क्योंकि ये ड्राइविंग सीट के पास ही मिला था ये मुझे, तो हो सकता है इनका आपस में कुछ लिंक हो। और बाकी तो सर्विस सेंटर पे दिखाएंगे तब पता चलेगा कि भाई क्या कारण है इस आवाज़ का ड्राइविंग सीट में। स्पेशली जब बहुत गहरे गड्ढे पे जाती है उस टाइम पे आवाज़ आती है, नॉर्मली नहीं आती, तो चेक करा लेंगे। भाई पहुंच गए हैं महिंद्रा के शोरूम, चलते हैं अंदर और कराते हैं सर्विस। कम भीड़ है यार, जल्दी आ गए, सही टाइम पे आ गए आई मीन। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी सर्विस बे में लग गई है। तो भाई अपनी गाड़ी के लिए DEF आ गया है जो कि अपनी गाड़ी में डलेगा। और आज ये लोग वीडियो नहीं बनाने दे रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। तो भाई वेटिंग एरिया में बैठे हैं। तो भाई सर्विस हो गई, आज का व्लॉग कुछ खास नहीं बना क्योंकि भाई उनका रूल है कि सर्विस सेंटर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते। वैसे मैंने पहले वीडियो बनाई है लेकिन आज थोड़े सख्त हो रहे थे वो लोग कि नहीं वीडियो नहीं बनेगी, मैं बोला चलो ठीक है नहीं बना रहा। और सर्विस करा ली और भाई महिंद्रा का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है भाई, सर्विस स्टैंडर्ड बहुत ख़राब हैं, कस्टमर डीलिंग बहुत ख़राब है, बहुत कुछ सीखना और करने की ज़रूरत है इन लोगों को। हालांकि जितना जितना बोलते हैं उतना उतना काम करते हैं ये लोग, ये आदत है इनकी। और सर्विस में भी इनफैक्ट यू नो ब्रेक तक खोल के चेक नहीं करे इन लोगों ने, बोलना पड़ा कि भाई ब्रेक तो चेक कर ले, तो ये हालत है। बाकी सर्विस हो गई गाड़ी की और अब इसको चलाएंगे थोड़े दिन, देखते हैं कि क्या सर्विस के बाद में हमारा परफॉर्मेंस में क्या कुछ फ़र्क आया, माइलेज में क्या कुछ फ़र्क आया, तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे अभी। तो इस सर्विस में एक और ये है कि सीट का कोई इलाज हुआ नहीं, उस स्क्रू का कोई जवाब मिला नहीं कि भाई वो स्क्रू कहाँ का था, उनको नहीं मालूम भाई कहाँ का था वो। दूसरा ये है कि जो सीट थी जी हमने नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं, आवाज़ तो हमें तो आ नहीं रही। तो भाई सिचुएशन ये है कि कुल मिला के जो दो तीन मेन पॉइंट थे उनको तो उन्होंने डॉज कर दिया, मतलब उन सवालों को पहले तो मतलब क्या प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ऐसा ही होता है जी, महिंद्रा की गाड़ी ऐसी होती है। ओके आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हालत है। और सर्विस में खर्चा कितना आया वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे फिजिकल इनवॉइस नहीं मिली है, मेरे व्हाट्सएप पे आ गई है, तो मैं पहले उसको डाउनलोड करता हूँ, उसका प्रिंट आउट लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी भाई उन्होंने सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया था, उसके बाद भी जो हमारा रिवर्स कैमरा वो ऐसा का ऐसा ही है। मुझे लगा था शायद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो भाई दोस्तों घर पहुंच गए हैं और टाइम आ गया है आपको ये बताने का कि कितना खर्चा आया मेरी 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे। तो भाई जो टोटल खर्चा आया मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड मुझे आपको कैसे दिखाना होगा, एक मिनट। दोस्तों आजकल क्या है कि फिजिकल कॉपी नहीं मिलती है आपको, आप केवल एक कैश रिसिप्ट देते हैं वो अकाउंट से मिलती है, बट जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी रिपेयर डिटेल हैं, वो आपकी ऐप पे आ जाती है विद यू हमेशा, जो महिंद्रा की ऐप है। तो आप इस पे देख सकते हो कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या पार्ट डाले गए हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आती है। तो ये मेरी पहली जो ये आई वुड से 10,000 किलोमीटर की जो सर्विस है उसमें ये सारे पार्ट डाले गए हैं, और जो टोटल खर्चा आया है इसमें वो आया है लगभग 10,000 रुपये का। सूम क्यों नहीं कर रहा है, यस 10,082 रुपीज़ का। यानी कि हर एक किलोमीटर पे 1 रुपये का खर्चा आया मेरी सर्विस का। 10,000 किलोमीटर पे 10,000 रुपये का खर्चे का लॉजिक मेरे को एक्चुअली थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डीजल कार ही ओन की थी और ऑफ कोर्स वो सेडान्स थी, वो एसयूवी नहीं थी और उनमें डीईएफ का लफड़ा भी नहीं था। तो उसमें मुझे 6,000-7,000 के रेंज में मेरे पहले 2-3 सर्विस हुए थे, उसके बाद में खर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बट यहाँ पे पहली सर्विस 10,000 किलोमीटर की सर्विस 10,000 रुपये की हुई है, तो पता नहीं आगे चल के क्या ही होगा। पहली दो सर्विस तो जनरली नॉर्मल रहती है, तीसरी सर्विस से कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है कि भाई ये चेंज करो वो चेंज करो, सर्विस इंटरवल आ गया इसको ये करो। तो भाई खर्चा जो है मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, बट इतनी बड़ी एसयूवी के लिए हो सकता है कि ये नॉर्मल बात हो। बाकी कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सर्विस हुई है, कोई स्पेशल पार्ट नहीं डला है, कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं था जिसको सही करना पड़े। सॉफ्टवेयर अपडेट किया वो फ्री था, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में भी कैमरा वैसा का वैसा ही है, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है शोरूम पे जाकर सर्विस कराने का वो बहुत कोई खास नहीं था। मुझे लगा कि जो अटेंशन उन्हें कस्टमर को देनी चाहिए, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, वो चीज़ नहीं थी। तो भाई ये थी मेरा एक्सपीरियंस 10,000 किलोमीटर की सर्विस का। तो भाई ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।